अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम फारूक अहमद है और आप देख रहे हैं FQA व्लॉग्स। तो गाइस गुड, तो गाइस देख सकते हैं दोस्त के साथ पहला दिन है, काफी दिनों के बाद व्लॉग में नजर आया मुताहिर। मुताहिर ने अपनी गाड़ी के लगवाने हैं अलॉय रिम। इसी मार्केट में आए हुए हैं, अभी हम लोग शॉप्स वगैरह देखते हैं, फिरते हैं, उस चीज़ हमें पसंद आती है। लेट्स सी, स्टे ट्यून, स्टे ट्यून। अभी चलते हैं मार्केट की रैकी करते हैं, विजिट करते हैं और आज आपको दिखाते हैं रिम और टायर की हंटिंग। स्टे ट्यून विद मी। आए हुए हम लोग सर चैंपियन ट्रेडर्स के ऊपर, अभी चलते हैं और रिम निकलवाते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारा सीन पार्ट क्या है। स्टे ट्यून विद। हम लोगों को एक ये वाला रिम समझ में आया, ये वैसे जो है ये मुताहिर की पसंद है, ये वाले रिम की जो है ये मैं प्रेफर कर रहा हूँ और एक ऑप्शन हमारे पास ये है। यहाँ पे ह्यूज वैरायटी है भाई रिम्स की। सो गाइस, हम लोगों ने ये दो रिम लगवा के देखे। एक तो गाइस हमारा ये एक सिल्वर में आ जाता है और एक जो है ये गाइस कोई ब्राउनिश टाइप सा है। मुझे तो डार्क वाला अच्छा लग रहा है। मुताहिर का वैसे गाइस इसके ऊपर है वो और मेरा अभी तक यहाँ पर है। सो गाइस रिम हम लोगों ने दो और अपने यहाँ पे ऑप्शन मंगवाए हैं, एक ये है और एक वो है। और गाइस ये भी दो ऑप्शन है। इसके अंदर वाला जो गाइस ये वाला पोर्शन जो है ना वो ब्लैक है और वो बिल्कुल ही सिल्वर था। ये गाइस एक रिम हमारे पास ये भी है और ये इतना टायर जो है ना ये बाहर निकलेगा। हाँ जी ब्रो, फिर बताओ कौन सा तुम्हें सही लग रहा है वैसे? मैं तो अभी तक स्टिल कंफ्यूज हूँ वाकई में यार। काफी हमारे पास है, इन लोगों ने ऑप्शन हमें काफी ज्यादा निकाल के दिखा दी। गाइस यकीन करें डिसीजन लेना ना थोड़ा सा मुश्किल होया है इस टाइम के ऊपर। ये सारे रिम निकलवा के देख लिए हैं लेकिन मुताहिर को ना गाइस अभी भी वो यही वाला पसंद आ रहा है, ये वाला। इस वक्त हम लोग आए हैं चैंपियन ट्रेडर्स के ऊपर क्योंकि मैं यहाँ पे गाइस पहले भी अपनी एक दो गाड़ियाँ लेकर आ चुका हूँ। काफी ह्यूज वैरायटी है, हर किस्म की गाड़ी का आपको यहाँ पे टायर और रिम मिल सकता है। गाइस फिर बताओ कौन सा फिर रिम पसंद आ रहा है? दिखाओ यार ऑडियंस को, ऑडियंस काफी बेताब है देखने के लिए। गाइस एट लास्ट हम लोगों ने ये फाइनल कर लिया भाई। रिम के साथ जाहिर बात है हम लोगों को उसके लिए टायर भी चाहिए होंगे क्योंकि हम लोग टायर सेट भी चेंज करवा रहे हैं इसका। हमारे पास गाइस ये एक फिरेली का है, ये कौन सा है? ये ग्रीन लैंडर का है। ये इनकी स्पेसिफिकेशन भी लिखी हुई है 185/65/14, ये 14 वाले हैं भाई क्योंकि 14 का हमारा लॉयर है। मैं 22 का है, ये दोनों 23 के हैं, फ्रेली 22। अच्छा गाइस बेसिकली ना ये टायर जब भी आप परचेज करें ना तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट ना आपको पता होनी चाहिए। वैसे अब देखे ना ये 18-22 है, 18वां हफ्ता और 22वां साल, ये दोनों टायर जो हैं 23-23 के हैं। अब इसी में मेरे पास प्रेली पड़ा हुआ है गाइस, वो प्रेली का ही है टायर भी ना गाइस, ये देखिए मेड इन चाइना का है। फिरेले का टायर डलवा रहे हैं हम लोग, फिरेले कह रहे हैं या फिरेले कह रहे हैं पता नहीं यार, मार्केट में ना वैसे अजीब अजीब नाम से ही इसको प्रोनाउंस किया जाता है। फिरेली के अंदर भी ना आगे मेड इन चाइना और मेड इन यूरोप के अंदर भी आते हैं या ऐसे। तो अब बिस्मिल्लाह करते हैं, टायर और रिम लगवाते हैं और आपको दिखाता हूँ बिफोर एंड आफ्टर का। स्टे ट्यून विद मी। तो गाइज यहाँ पे जो है अपना टायर और रिम चेंज होने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। हाउ वाज योर फीलिंग मैन? फीलिंग गुड मैन, अब गाड़ी को नए पांव दे रहे हैं, नए शूज दे रहे हैं और होपफुली अच्छा भागे। इंशाल्लाह गाइस, इस वक्त ना मार्केट के अंदर चाइनीज टायर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एक तो वो सस्ते भी पड़ते हैं आपको और सेकंड बात ये है कि अच्छे चल भी जाते हैं। तो हम लोगों ने तीन ऑप्शन सोचे हुए थे, एक मिचेलिन का था, एक फिरेले था और एक कॉन्टीनेंटल था। तो हम लोगों को फिरेले मिल चुका है, तो अभी जब रिम आएंगे रिम लगवाते हुए प्रोसेस दिखाऊँगा और फिर टायर लगेंगे और फिर दिखाते हैं हमारा सीन पार्ट क्या है। हम लोग इस वक्त आए हैं चैंपियन ट्रेडर्स के ऊपर। स्टे ट्यून्ड विद मी। ये टायर तुम्हें कहाँ का लेके गए? गाइस वैसे एक चीज बताने वाली है, ये टायर जो है ना ये ऑलमोस्ट आधा पाकिस्तान ये ना घूम चुके हैं। अच्छा साथ दिया तुमने, कहीं तुम पंचर नहीं हुए। वो टायर हैं जिसपे हम लोग तकरीबन 45 मिनट
160 के ऊपर जाए थे 45 मिनट तक। सो गाइस ये देख सकते हैं हमारे यहाँ पे चारों के चारों टायर आ चुके हैं और इसकी यहाँ पे हो रही है अनबॉक्सिंग। गाइस ये देख सकते हैं मेड इन रशिया का टायर है और गाइस 165/64। अच्छा गाइस ये देख सकते हैं ये जो है ना गाइस ये डेट, ये देखें डॉग्स, ये EHR इसका एक कोड है और ये जो कोड होते हैं ना 18-22 इसका मतलब ये कि 18वां हफ्ता और 22वां 2022 का ये मैन्युफैक्चरर है 18वें हफ्ते के अंदर। ये अच्छा पैटर्न है तकरीबन कोई ये 1.5 साल पुराना टायर, लेकिन चैंपियन वालों ने हमें इसकी वारंटी दी है भाई। क्यों सर? 3 साल की वारंटी दी है हमें। सो गाइज ये टायर लगने का प्रोसेस जो कह दिए स्टार्ट हो चुका है और बिस्मिल्लाह करते हैं हम अपने इस पहले टायर से भाई। वाह। अच्छा गाइस ये ना थोड़ा सा लुब्रिकेंट लगाना पड़ता है ताकि ना टायर जो है ना सॉफ्टली अंदर चला जाए, वरना ये आपको पता है सर्दियों के अंदर जो है ना ये टायर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अब रिम पे चढ़ने का टाइम आ चुका है, ये एक स्प्रे मारा जाएगा और उस स्प्रे के बाद जो है ना आपको एक ब्लास्ट की आवाज़ आएगी। ये ब्लास्ट करने का मतलब ये कि टायर जो है ना फौरन बैठ गया है इसके ऊपर ना भाई। चैंपियन वालों ने हमें जूस ऑफर किया है, जूस पी रहे हैं साथ साथ, चाय मिल रही है, जूस मिल गया, ये इनका ऑनर है भाई। शुक्रिया यार। साजी कर रहे हैं, साजी आपका नाम क्या है बताएं साथ साथ, बताएं जरा व्हील बैलेंसिंग किस तरह होती है जरा। शिवर नहीं करेगी, यानी कि ना वो जिस तरह बबलिंग करती है ना वो नहीं होगी। बैलेंसिंग कराने का मकसद ये होता है, हाई स्पीड बैलेंसिंग गाइस जिसे कहते हैं, हाई स्पीड। ये राउंड देने लगे हैं, ये राउंड देखे, ये बंद। अच्छा यहाँ पे मेरे ख्याल में वो 0-0 आता है ना। इसको 30 ग्राम वेट का फर्क बताया। ये जो ग्राम है ना ये इस तरह ना सेंसर होते हैं, ये टीटी करेगी उसी जगह के ऊपर आपने ये अपना वेट लगा देना है और फिर ये दोबारा से होगी बंद और उसके बाद जब ये कंप्लीट राउंड होगा उसके बाद ये देखें पहले 30 था अब 10 लगना है। अब ये 10 जो है ना वेट यहाँ पे ये लगाया जा रहा है, अभी 10 था पहले 30 था फिर 10 है और अब यहाँ पे आप करिश्मा देखेंगे, करिश्मा का करिश्मा हुआ ना नील, अब ये हुई है बिल्कुल परफेक्ट व्हील बैलेंसिंग। तो ये गाइस ये मशीनरी का मकसद ही इसलिए यही होता है ताकि एक्यूरेट बैलेंसिंग हो। रिम नंबर 2 गाइस, ये यहाँ पे रिम असेंबल हो चुका है और इसके बाद जो ये हमारा जो टायर है ये भाई ब्रांड न्यू पैकिंग वाले टायर हैं, ये 2 नंबरी वाला सीन पार्ट नहीं है इधर भाई कोई। तो गाइस ये टायर नंबर 2 जो है ना ये स्टार्ट होने लगा है। तो गाइस ये हमारा टायर नंबर 2, टायर नंबर 3 और ये चौथा है ना कमी भाई। जी ये गाइस चौथा हमारा लॉयर है मैं। गाड़ी की जो है ना आज 50% ना मॉडिफिकेशन कंप्लीट है। जब भी आप अपनी गाड़ी के अंदर रिम लगवाएं ना गाड़ी उठ जाती है, उठती है ना। आर यू हैप्पी ब्रो? यस, लुकिंग नाइस मैन, लुकिंग नाइस ना, जबरदस्त लग रहा है भाई। हमारे कुछ भाई लोग मिल गए। हेलो यार, कैसे हैं भाई? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? इन्हीं से मैंने भी क्वेश्चन पूछा था कि भाई टायरों के साथ ही अच्छे लग रहे हैं ना, तुमने कहा था अच्छे लग रहे हैं। मेरा नाम हंस है, हंस भाई है। रिसेंटली मेरे टायर चोरी हो गए थे। इन्होंने बड़े अच्छी कंपनी के लगवाए थे, पिरेली के टायर लगवाए हुए थे। तो मैंने पूछा यार आपके टायर चेंज क्यों करवा रहे हैं अभी? उन्होंने कहा भाई चोरी हो गए थे हमारे 2 टायर। यार ये तो हालात मसले हैं आजकल, और भाई गाड़ियों को अपना बचा के रखे हैं, गाड़ियां बचा के रखी, अंदर रखे हैं, करें कि बाहर ना निकले आप, बाहर ना निकले तो फिर गैराजों के अंदर खड़ी करके रखे हैं। इस सिविक में लगवाने आए हैं, क्या बात है। नहीं नहीं आपने आज जूते बना दिए अनंत भाई आपने। भाई कहे ना यार चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, बड़ी देर से देख रहा हूँ, बड़ी देर से, बड़ी सर्दी का मौसम है, लेकिन हमें रिक्वेस्ट ये कि हम सभी भूखें और भाई ने बड़ी
आप लोगों के लिए हाँ असल में गाइस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना मकसद है सारे वीडियो का मकसद है। शाहिद भाई भी हमारे साथ है, स्टे ट्यून्ड विद मी। हम लोग हैं इस वक्त चैंपियन ट्रेडर्स के ऊपर। A few moments later. हाँ जी लग चुके हैं फिर रिम्स गाड़ी के अंदर। गाइस ये देख सकते हैं ये रिम कितना आगे से निकल आया। रिमो की जो है ना व्हील बैलेंसिंग तो हो गई थी, अब अलाइनमेंट भी साजी ने कहा यार करवा लो, तो मैंने कहा ये भी लाजमी होनी चाहिए। अगर आप विदाउट पैडल अपना डलवाने के बाद विदाउट अलाइनमेंट करवाते अपना नहीं करवाते तो विद इन अपना 15 डेज 20 डेज के बाद आपके जो टायर है ना आराम से घिसना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से हर कस्टमर को चाहिए कि टायर डलवाने के बाद अलाइनमेंट करवानी चाहिए और हर 10,000 किलोमीटर के ऊपर अपना टायर की बैलेंसिंग और प्लस अलाइनमेंट आगे पीछे क्रॉस भी करवाना चाहिए। छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जब भी आप अपना टायर शायद चेंज करवाएं तो साथ बैलेंसिंग तो मस्ट है, साथ अलाइनमेंट भी लाजमी है। तो यहाँ पे गाइस हम लोगों का बिल तो फट चुका है। सो मुताहिर बताओ आज कितने का टीका पड़ गया है? ये टोटल है 165,000 दिरहम या डॉलर्स पाकिस्तानी। अच्छा जी 50,000 के जो हमारे ओल्ड टायर और रिम्स वो हमने इनको दे दिए हैं ओल्ड रिम। हां जी टोटल पे प्राइस हो गए इसकी 165 है ना, बताए 165 टोटल थी और हमने जो अपने पुराने अलॉय रिम इन्हीं को दे दिए क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। साजी अलाइनमेंट बता रहे हैं जी साजी, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप? गुड गुड गुड। हाँ जी हाँ जी, पहले राउंड में हमने लगाया गाड़ी को सेंसर गाइस हम लोगों ने लगा दिए हैं। अब दूसरा जो है एक बाइक काम जो है हमारा आगे कंप्यूटर का आगे और जो गाड़ी का मॉडल है गाड़ी का कंपनी वो इसमें डालेंगे। गाइस इस सिस्टम के अंदर ना दुनिया जहाँ की सारी गाड़ियाँ ना यहाँ पे इनकी यहाँ पे लिस्ट के अंदर है, होंडा फोर्ड हुंडई सुजू जीप सारी है लेकिन हमारी मारुति सुजुकी है। है वैसे सुजुकी लेकिन मारुति है, चलो खैर कोई बात नहीं मट्टी पाओ। अभी ये गाड़ी को रन आउट करेगी ये गाइस ऑटोमेटिकली ना ये रन आउट कर रही है। ये कितने डिग्री के ऊपर है ये गाइस को डिग्री का होता है और कितना होना चाहिए साजी वैसे बताएं? ये बुकबुक को डायग्नोस करेगी। अच्छा ये ऑटोमेटिकली करेगी यानी कि आपने एक दफा सारा कुछ कर दिया है ऑटोमेटिकली खुद करती रहेगी बाद में। सिस्टम ऑन कर दिया मैंने ये खुद ही रीडिंग लेगा उसके बाद डायग्नोस करके खुद ही बता देगी कि कितने डिग्री का या मिनट्स का फर्क है। ये इसका कैमरा एंगल है और ये इसकी टो है। जबरदस्त ये सारी चीजें जो है ना ये कुछ कुछ रेड क्यों शो कर रहे हैं? वो करती है ये कॉस्टर एंगल है जो हम गाड़ी का नहीं लेते। कॉस्टर एंगल तभी यूज करते हैं जब गाड़ी अपना कहीं एक्सीडेंट होता है हिट होती है उस कंडीशन में फिर हम कॉस्टर एंगल को इस्तेमाल करते हैं। ये गाइस देख सकते हैं ग्रीन का मतलब ये है कि अभी ओके है ओके और अभी ये सेट हो रही है मजीद आहिस्ता आहिस्ता। इसके बाद मैं जाऊंगा गाड़ी के नीचे और जाके वहाँ पे गाड़ी की जो अलाइनमेंट का थोड़ा सा मसला है उसको एडजस्ट करूंगा। सर मुझे भी खुड्डे में जाना पड़ रहा है। मुताहिर कभी गाड़ी को देखा तुमने इससे नीचे से? आज मैं तुझे तेरी गाड़ी के नीचे से दिखाता हूँ। और गाइस ये कटआउट किट भी लगाई हुई है लड़के ने, अभी आपको इसका साउंड सुनाऊंगा। ये सबूत लगा है पीछे ये कटआउट किट का, ये देख सकते हैं। तो ये जो है गाड़ी ये नट शट जो है ना इसके कसने पड़ते हैं। ये गाड़ी की स्टीयरिंग कंघी है, ये गाइस स्टीयरिंग कंघी है गाड़ी की जिससे हम अलाइनमेंट को एडजस्ट करेंगे। और ये देख सकते हैं पहले चेक नट को लूज करेंगे और फिर टाइट। हां नहीं इसके बाद हम इसको करेंगे एडजस्ट। यस करेंगे एडजस्ट हो रही है ये गाइस अब यहां पे होने लगी है एडजस्टमेंट। स्क्रीन में पता चल रहा है ये अपनी तरफ से नट शट नहीं कसे जा रहे, ये पूरा एक सिस्टमाइज तरीका है। 18 साल मैंने सुजुकी टोयोटा होंडा ऑथराइज के अंदर काम किया है। इस तरह ना गाइस हर बंदा नहीं बताता, गिल साहब ने अच्छे तरीके से हमें गाइड किया पूरा। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, हम लोगों ने यहाँ से चैंपियन ट्रेडर से अलॉय रिम और अपने टायर लगवा लिए हैं। मेरे पीछे यहाँ पे हमजा भाई
भाई इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से और हम्बली हम लोगों को सारा डील किया है और अच्छा डिस्काउंट भी दे दिया जाते जाते बताएं अपने बिजनेस मॉडल के बारे में, शॉप के बारे में बताएं, अपना सारा कुछ बताएं कि आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। हमारे पास टायर और वायरिंग अवेलेबल होते हैं, हम फैसलों में लोकेटेड है यहाँ पे, आपको किसी भी किस्म की टायर्स या अलॉयरेंस की जरूरत हो तो आप उनसे आके परचेज कर सकते हैं। कौन कौन से आपके पास ब्रांड बने हैं टायर्स की आप बताएं? ब्रांड यार काफी आ जाते हैं, जैसे आपको डनलॉप मिल जाएगा, कॉन्टिनेंटल मिल जाएगा, पिरेनी, मिशलिन, योकोहामा, आपको हर किस्म के टायर आपको यहाँ मिल जाते हैं। और टायर में भी आपको जो डिफरेंट पैटर्न है उनके बारे में भी गाइड कर दीजिएगा, आइदर इट इज सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, आइदर योर आपको जो जरूरत है वो आपको ये ऑल सीजन की है, समर की है, तो वो जो डिफरेंट काइंड के टायर्स हैं वो सब अवेलेबल हैं, उसके बारे में आपको गाइड भी कर दिया जाएगा, आपकी ज़रूरत के मुताबिक उसको मद्देनजर रखते हुए उसके बता दिया जाएगा कि कौन सा टायर पैटर्न आपकी गाड़ी के लिए ज़रूरी है। वैसे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, जब मेरे चैनल से कोई आएगा तो उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, आपको रेफर कर देंगे तो फिर ज़रूर आपको गाइस रेफर करें, आपको जो उसका कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आए चैम्पियन ट्रेडर्स के ऊपर, यहाँ पे हमजा भाई होते हैं, बिलीव मी गाइस मैं पूरी मार्केट की रैकी करके आ रहा हूँ, मैं हमजा भाई को कहा है कि मैंने कहा हमजा भाई मैं पूरी मार्केट घूम के आ रहा हूँ लेकिन पता नहीं ये है चैंपियंस के साथ ना एक एक रिश्ता बॉन्ड सा बन गया है, पता नहीं यहीं पे आके गाड़ी रुकती है हमेशा मेरी। और आपको हर गाड़ी का आपको जो है ना यहाँ पे रिम मिल सकता है, इवन के ये तो खैर छोटे रिम्स हैं और ये देख सकते हैं ये डाले शाले क्रूजर श्रूजर के लिए, हमजा भाई ये डाले शालों के लिए? हाँ, ये लैंड क्रूजर्स के हैं। वैसे बता सकते हैं ये स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं ये बड़े हमारे रिम? स्टार्ट फ्रॉम 180 टू ऑनवर्ड 220 तक जो क्रूजर के बीच में आ जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच आपकी हॉस्पिटैलिटी का और जूस का भी भाई जूस मिलाए उन्होंने मुझे। इनकी जो लोकेशन है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, व्हील अलाइनमेंट है, बैलेंसिंग है, टायर है, फोटोशूट हो रहे हैं और हमारी गाड़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह भाई चस आ गई है। वैसे क्या बात है यार खूबसूरत, काम बताओ फिर कैसा लग रहा है ब्रो? एक्साइटेड हो? लग रहा है। और अभी हम इसको टेस्ट करेंगे। तो गाइज ये होने लगे हैं यहाँ पे स्टार्ट गाड़ी का, ये पीछे वाला दादा निकला हुआ है। सो गाइस यहां पे हमारी लाइन ये कंप्लीट, मुझे पार्टनर मिल गया गाइस वाला है, गड़िया। आज मैं लेडीज को भी अप्रिशिएट करूंगा, शॉपिंग जब करने जाती है ना इतनी जल्दी चीज पसंद नहीं आती, तो हम आज समझ सकते हैं ये चीज। लेडीज की शॉपिंग की बातें कर रहा है भाई आजकल ना। ओए हो, मैंने बचाने की कोशिश की है भाई से। जी गिर साहब हो गया निकले, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ये घबरा गया। पहली दफा मैं गाड़ी के नीचे से अंदर पड़ा। बताएं 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 बताएं, जो खुल के बोलना चाहे बोलें। सो गाइस अभी मैं नीचे। ओह माय गॉड, वैगन आर दी गए उस्ताद जी, लेकिन पेल्टस नहीं दी गई जाती है। और गाइस हम लोगों ने जो दो शार्प कर्व्स थे उन लोग उस कर्व्स को क्रॉस कर